नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। सीटेट परीक्षा 2022 के छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट आ रही है। अभी CBSE ने नया नियम 2022 के एग्जाम में लागू होगा और साथ ही साथ आप सभी के ऑनलाइन प्रोसेस कब से शुरू होने जा रहे एग्जाम डेट पर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। आज की वीडियो सीटेट 2022 के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो अंत तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे भी सीटेट परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचाई जा सके। बड़ी खुशखबरी सीटेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म पर आ रही है। अभी CBSE ने आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने और एग्ज़ाम डेट को कंडक्ट कराने का काफ़ी बड़ा फैसला ले लिया। आपको बता दें सीटेट 2022 में काफ़ी बड़े नियम और काफ़ी बड़े चेंजमेंट होने जा रहे हैं। आपको बता दें इस बार सभी छात्रों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। TET एग्ज़ाम में काफ़ी बड़े चेंजमेंट होने जा रहे हैं। इस बार आप सभी का जो कट ऑफ होगा वो तो घटेगा ही घटेगा, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीटेट 2022 के एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो एग्ज़ाम आप सभी के पूरी तरीके से इस बार भी ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट होने वाले। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 15 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेंगे और पूरी तरीके से एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट कराए जाएंगे। वहीं आप सभी बता दें एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आप सभी का इसी महीने अंतिम तारीख तक जो है शुरू होने की यहाँ पर पूरी अपडेट आ चुकी है। 31 अगस्त 2022 तक आप सभी के ऑनलाइन जो प्रोसेस है सीटेट 2022 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो ऑनलाइन प्रक्रियाएँ हैं ये स्टार्ट हो जाएगी। CTET.NIC.IN पर पूरी नोटिस आ चुकी है। इस बार आप लोगों को फीस में भी काफ़ी बड़े चेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सीटेट 2022 में पेपर एक और पेपर दो की जो फीस है ये 200 अब कम की जा सकती है। वहीं सीटेट के इस बार एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होंगे, तो इस बार आप लोगों को बता दें नॉर्मलाइजेशन का लाभ भी मिलेगा। 15 से 20 दिन करीबन एग्ज़ाम चलेंगे और ऐसे में आप सभी लोगों को अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। सीटेट 2022 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। सीटेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 1.5 लाख वैकेंसियाँ अब आप सभी लोगों का वेट कर रही, काफ़ी बड़ी।